नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक काले, कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में आपका स्वागत करता हूँ। और आज का ये वीडियो हम देखेंगे कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो कैसे नया जीमेल अकाउंट कैसे ओपन करते हैं या हमारा नया अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो बहुत से लोगों के पास जीमेल अकाउंट तो होगा, लेकिन बहुत लोगों जो नए लोग हैं वो जानते नहीं है कि जीमेल अकाउंट कैसे खोलते। तो पहले से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अगर नए ये वीडियो दो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लीजिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जीमेल अकाउंट हमारा कैसे तैयार होता है। तो जीमेल अकाउंट तैयार करने के लिए हमें पहले ये वर्ड या गूगल में हमारा ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जीमेल अकाउंट के लिए ये www.gmail.com इस तरह से टाइप करना होगा। देखिए सॉरी, तो मैं फिर से एक बार ये gmail.com यहाँ पे टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ। और एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए ये यूज़र अकाउंट है, यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद ये हमारा देखिए यहाँ पे अकाउंट अगर आपसे आपका पहले से तैयार है तो आप यहाँ से आप नया आपका जो पुराना ईमेल है यहाँ पे टाइप करके आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक नया अकाउंट तैयार करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। और ये नया अकाउंट तैयार करने के लिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। तो मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आ गया है, फॉर माईसेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। तो मैं खुद के लिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करूँगा। और फॉर माई सेल्फ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ तुरंत एक फॉर्म हमें गूगल ने दिया है। तो ये फॉर्म में क्या क्या है ये पहले हम देखेंगे। तो इस फॉर्म में देखिए कि लिखा है यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जो भी आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं आपने जीमेल का वो आप यहाँ रख सकते हैं। जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं ये पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ मेरा फर्स्ट नेम टाइप कर देता हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैसा ये टाइप होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरा ये फर्स्ट नेम मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। जो भी ईमेल आईडी हमें चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो मैं पहले यहाँ पे मेरा जो फर्म का नाम है या खुद का नाम से भी आप ये ईमेल आईडी तैयार कर सकते हैं। आप जो भी ईमेल रखना चाहते हैं आप वो ईमेल रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, अगर ये ईमेल आईडी पहले से किसी ने नहीं लिया है तो ही वो जीमेल हमको परमिशन देगा। हम देखते हैं कि पहले से ईमेल आईडी किसी ने लिया है नहीं, तो मैं ये पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। फिर से एक बार वही पासवर्ड कन्फर्म के लिए टाइप करना है हमको, तो मैं पासवर्ड टाइप करा। यहाँ पासवर्ड देख भी सकते हैं फिलहाल। तो मैं यहाँ क्लिक करने के बाद मैं आपको पासवर्ड आप किसी को बताइएगा नहीं, पासवर्ड ही बहुत पर्सनल चीज़ होती है। तो पासवर्ड के लिए हमें क्या 8 कैरेक्टर से ज़्यादा या नंबर मिक्स करके भी आप टाइप कर सकते हैं, सिंबल भी ले सकते हैं पासवर्ड में। इसकी जो सूचना है यहाँ नीचे दी गई है। तो इस तरह से मैंने ये पहला फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर ये यूज़र नेम जो है वो किसी ने नहीं लिया है तो हमको मिल जाएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे द यूज़र नेम इज़ नॉट अलर्टेड, आप दूसरा यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है कुछ अलग से रख देता हूँ। मेरे ये हमारा सिटी का नाम मैंने यहाँ पे टाइप किया है दीपक श्रीगोंदा के। और मैं फिर से एक बार देखता हूँ कि जीमेल मेरा ये ईमेल आईडी लेता है या नहीं लेता है। तो मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है अभी, जहाँ उन्होंने देखा यहाँ लिया है deepakshrigonda@gmail.com। ये मैं खाली आपको सिखाने के लिए ईमेल आईडी लिया है, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा है deepak.srigonda@gmail.com। इसके बाद हमारा जो फ़ोन नंबर है ये हम यहाँ पे उसको टाइप करेंगे। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे हमको OTP आएगा।
उसके बाद रिकवरी ईमेल है, आपको इसी ईमेल जो तैयार किया है ये आपको रिकवरी ईमेल चाहिए, तो आपको ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ऑप्शनल है, तो मैं रिकवरी ईमेल भी टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है ये हमको टाइप करना है, तो मैं यहाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेता हूँ। और आपका जो भी जेंडर है, फीमेल मेल जो भी है, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो उसके बाद ये आपको पूछता है कि आपको जो मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करना है या नहीं करना है, तो अभी मैं यहाँ पे नॉट नाउ भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अच्छा रहता है कि आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दे, क्योंकि आपके लिए ये बहुत सेफ्टी के लिए अच्छा है। देखिए योर पर्सनल इन्फो इज प्राइवेट एंड से पे आके लिखा है, तो मैं अपने मोबाइल पे यहाँ पे सेंड कर देता हूँ जो भी वेरीफाई करने के लिए। तो मेरे मोबाइल पर अभी एक ओटीपी आएगा, और वो जो ओटीपी है वो मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ। ये खाली एक कुछ टाइम के लिए ओटीपी रहता है, ये मैंने जो ओटीपी यहाँ पे टाइप किया है, तो मैं यहाँ पे ये मेरा ओटीपी वेरीफाई कर देता हूँ। तो उसके तुरंत बाद कुछ स्टेप है ये पूरे करने के बाद हमारा ईमेल आईडी तैयार हो जाएगा। देखिए गेट मोर फ्रॉम हियर, तो रिसीव वीडियो कॉल, ये जब से बता रहे हैं कि आपको वीडियो कॉल करना है, मैसेज करना है, गूगल सर्विस लेनी है, तो मैं यहाँ पे एस आई एम के आई एम इन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद उनके कुछ प्राइवेसी के टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल के जीमेल के लिए, ये सब आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने ये पहले से पढ़ लिया है, तो मैं उसको एग्री के ऊपर क्लिक करूँगा इस तरह से। उसके बाद ये हमारा देखिए यहाँ पे ये ईमेल अभी तैयार होने जा रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये ईमेल तैयार हो गया है, बाद में हम उसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से मेरा ये ईमेल तैयार हो गया है, तो बहुत से आसान है, बहुत लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बताया है। अगले वीडियो में ये जीमेल का जो भी ऑप्शन है मैं वो आपको सिखाऊंगा, जो आपको बहुत ये जो स्क्रीन है ईमेल का क्या यूज़ होता है ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, तो लॉग आउट कैसे करते हैं हम देखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये, यहाँ पे हम अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं लॉग आउट होना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए ये मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसे ज़रूर ज़रूर लॉग आउट हो करिएगा, क्योंकि बाद में कोई दूसरा उस पीसी पर बैठ गया या किसी ने आपका अकाउंट हैक करके दूसरों को ईमेल भेज दिया आपके अकाउंट में से, तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये इस तरह से मैंने ये वीडियो जीमेल अकाउंट कैसे ओपन करते हैं नया, ये मैंने आपको सिखाया है। ये जो हमारा चैनल है, जिस जो नए दोस्त लोग हैं, मैं यहाँ हर रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो टेक्नोलॉजी के बारे में, मोबाइल के बारे में, मोबाइल ऐप के बारे में, और कोई कंप्यूटर के जो नई टेक्नोलॉजी है, कोई बेसिक चीज़ है, मैं यहाँ आपको बताता रहता हूँ, आपसे संपर्क करता रहता हूँ। अगर ये वीडियो में मेरा आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को देखिए, इस तरह से आप, ये रेड कलर का बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें समझ इसके हमें प्रोत्साहित होते हैं हम, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।